मेरा नाम मोहन नागर है, मैं पिपलेदेव ग्राम का रहने वाला हूँ और विकासखंड पचोर में हमारा गांव लगता है। मैं पहले सोयाबीन और गेहूँ चने की खेती करता था, लेकिन मैंने देखा कि हार्टिकल्चर मतलब सब्जी उत्पादन बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैंने इस ओर रुझान किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कम जगह में इसका उत्पादन चालू करा। अब मेरे पास लगभग 3 हेक्टेयर में मिर्ची और टमाटर लगे हुए हैं। मेरे पास मिर्ची में पीली मिर्ची भी है, शिमला मिर्च भी है और ये मिर्च भी है। इसमें पीली का भी बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ मैं और शिमला का भी बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ। और वैसे इस मिर्च में मैंने 4-5 वैरायटी लगा रखी है। इसमें वैसे चारों पांचों वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। इसमें VNR की जैसे 109 भी है, 145 भी है और राशि सीड्स की है। उसके बाद में मेरे पास सिजेंटा की भी है, 3-4-5 वैरायटी है। खेती की गहरी जुताई करने के बाद में इसमें रोटावेटर चलवाते हैं। रोटावेटर के बाद हम इसकी बेड बना देते हैं। बेड बनाने के बाद इसमें जो हम ड्रिप लगा देते हैं, ड्रिप के बाद हम ट्रांसप्लांट, ये ड्रिप लगी हुई है। इसके बाद हमने पौधे की छपाई करवा, जैसे ही पौधे बड़े होने लगते हैं उसके बाद हम इसमें बांस गाड़ने के बाद इसमें ये मैं इस तरह से इसको हर पौधे को इसको रस्सी के द्वारा तार से बंधवा देता हूँ। मैं इनकी मिर्चों की सुबह शाम दोनों टाइम देखभाल करता हूँ। इसमें जो भी बीमारी लगती है इस बीमारी अनुसार इसमें मैं स्प्रे करवाता हूँ और टाइम टाइम पे स्प्रे करवाता रहता हूँ दवाइयों का। मैं जब सोयाबीन की खेती करता था उस टाइम पे अधिकतम मुझे 40 से 45 हज़ार रुपये पर हेक्टर मिलता था, लेकिन अब मुझे लगभग 4 लाख से 6 लाख रुपया प्रति हेक्टर के मान से मुझे इसमें से इनकम हो रही है। इसमें मेरा प्रतिदिन इसमें मिर्ची टूटती है और प्रतिदिन मंडी, यहाँ से जो मंडी जाती है मंडी, और इसमें पर डे के लगभग 8 क्विंटल 7-8 क्विंटल पर डे की मिर्ची मेरी मंडी पहुँचती है। इसमें मैं लगभग ये मान लीजिए कि हमारे पास 120 लाइन है, 120 लाइन में 12 लाइन लगभग मैं डेली तोड़वाता हूँ और हर 10 दिन में दूसरा मतलब नंबर आ जाता है उसमें, 10 दिन में तोड़ाओ मेरा रेगुलर चालू रहता है। इसमें 25 से 30 रुपये किलो लगभग मिर्च चल रही है हमारी, और पीली मिर्च, शिमला मिर्च और ये वाली मिर्च तीनों हम डेली बेचते हैं मंडी में। मैंने पिछले साल इसमें मिर्ची के साथ में धनिया का प्रैक्टिकल करा था तो मुझे बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। इस बार मैंने पूरी जितनी भी हमारी मिर्च लगी हुई है, लगभग 2 हेक्टेयर में मिर्च लगी हुई है, वो इसमें पूरे में हमने मिर्च के साथ साथ धनिया भी चुपाई करवा दिया। उसमें ना अलग से हमें ज़मीन की आवश्यकता लगी, ना खाद की, ना पानी की, कुछ भी आवश्यकता लगी। इससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। पिछले साल मैंने 1 एकड़ में एक मिर्ची में मतलब प्रैक्टिकली तौर पे 1 एकड़ की मिर्च में मैंने धनिया लगाया था, उसमें 3 किलो बीज और मजदूर कुल मिला के 1450 रुपये मेरा खर्च हुआ था और मैंने टोटल फसल धनिया की 70,000 रुपये की सेल करी थी। और इस बार मैंने लगभग 2 हेक्टेयर में धनिया लगाई है और इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। ये शिमला मिर्च लगा हुआ है, ये देखो, ये इसको विशेष करके किसान पॉली हाउस में लगाते हैं, लेकिन मैंने ओपन में लगा रखा है और ओपन में भी इसका मैं बहुत अच्छे से उत्पादन ले रहा हूँ। ये
उसको हम देख करके शाम को गाड़ी लोड करके वो सुबह मंडी पहुँचा देते हैं।